कि वो हजरत काफिले इसी बाला साहब में आज के 15 साल पहले जब आया खुदा की कसम लोगों ने उठा करके सर पे मुझे बिठाया और अपने दिल में जगह दी। आज भी उस इलाके की बरकत ये है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में और हिंदुस्तान के बाहर भी जाता हूँ तो इन तमाम उलमा इकराम की, उन तमाम तालिब इल्म की, उन तमाम इलाके वालों की दुआएं आज भी मेरे साथ सफर करती है। अल्लाह ताला इस इलाके को हमेशा शादो आबाद रखे। मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। ये खिराज अकीदत के तौर पर हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचाता हूं। मोहब्बत से सुनिएगा कि वो हजरत कासिमे जब तक आप बोलेंगे नहीं। तमाम शोरा जिद्दी थे, मैं जिद्दी हूं, जिद पे अड़ जाऊंगा तो आपको बोलवाने पे मजबूर करूंगा और आप बोल देंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, जल्दी से पढ़ दूंगा। आइए मुकाबला होता है, सुनिएगा कि वो हजरत कासिमे सुभान अल्लाह के वो हजरत कासिमे नाना कभी एक निशानी है। वो हजरत कासिमे नाना कभी हमारी राजधानी है, जिसे देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी है, जिसे देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी है, हमारी राजधानी है। भारत की नजर से इनको मत देखो जहां वालों, यही अकाबरीन है, यही अइमा हजरत है, यही मुअज्जिन है, इनको हम 10,000 दे करके हम अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। एक शेर लेकर के जाइए। आने वाले तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हुआ दिल खैराबादी का, नियमतुल्ला रहमानी साहब की नियमत वाली निजामत और दिल खैराबादी का ये शेर जेके मुशायरा मीडिया, शुक्रिया तमाम मीडिया वालों का। मुलाहजा फरमा ले के है भारत की नजर से, भारत की नजर से तुम मत देखो जहां वालों, भारत की नजर से जज़ाकअल्लाह अहसन अल जज़ा।